द ग्रेट खली। आप और हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ग्रेट खली भारत में जन्मे एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, जिन्होंने अंडरटेकर, जोन सीना और दीरोग जैसे बड़े बड़े रेसलिंग सुपरस्टार को धूल चटाई थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत से कोई व्यक्ति WWE तक पहुंचेगा और रेसलिंग की दुनिया में इतना नाम कमाएगा। आपको बता दें कि WWE अमेरिका में स्थित एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है, जहां तक पहुंचना हर एक रेसलर का सपना होता है। भारत से किसी रेसलर के WWE में पहुंचने वाली बात पर लोग हंसते थे, लेकिन फिर हुई दलीप सिंह राणा यानी कि द ग्रेट खली की एंट्री, जिसने रेसलिंग की दुनिया में भारत को नई पहचान दिलाई, क्योंकि इससे पहले तक रेसलिंग की दुनिया में भारत का एक भी प्रतिभागी नहीं पहुंचा था। रेसलिंग की दुनिया में जाते ही खली छा गई। इन्होंने WWE का टाइटल भी जीता। दुनिया में हर तरफ भारत के गली मोहल्ले में बस खली के दांव और पेच के ही चर्चे थे। खली की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि 4-4 हॉलीवुड फिल्में और 2-2 बॉलीवुड की फिल्में इनके कदमों में आ गिरी। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर खली को अब इतना मिल रहा था कि जिसकी उन्होंने सपने तक में भी कल्पना नहीं की थी। ग्रेट खली अब रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े सितारे बन चुके थे, लेकिन दलीप सिंह राणा से ग्रेट खली बनने तक का इनका ये सफर इतना आसान नहीं था। इसमें इन्हें कदम कदम पर दिक्कतें और परेशानियां आई, लेकिन खली इन परेशानियों का मजबूती से सामना करते गए और अंत में जाकर मशहूर हो गए द ग्रेट खली के नाम से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब खली के साथ कुछ ऐसा घटा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया था। उनका करियर डगमगाने लगा था। इस समय खली बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे और इसके पीछे की वजह थी खली के हाथों से एक रेसलर की मौत, या यूं कहें कि एक उभरते हुए भारतीय सितारे खली को मौत के इल्जाम में फंसाने की साजिश। अब ये क्या था, ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं इनके दलीप सिंह राणा से ग्रेट खली बनने तक का सफर। खली का जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव धिरहानिया के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम दलीप सिंह राणा था। ये 7 भाई बहन थे। आर्थिक रूप से ये काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। खली के पिता किसान थे, जो अपने परिवार का बमुश्किल गुजर बसर कर पाते थे। एक बार की बात है, खली के गांव में सूखा पड़ गया और इनकी सारी फसल सूख गई। इनके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना भी मुश्किल हो गया था। उसी वक्त स्कूल से खली की फीस भरने का प्रेशर भी आने लगा, लेकिन इनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फीस भर पाते। खली के स्कूल की फीस उस वक्त सालाना 2.5 रुपए थी। फीस जमा न करवाने के कारण प्रिंसिपल ने खली को स्कूल से बाहर निकाल दिया। ऊपर से उन्हें भला बुरा कहकर अपमानित और किया गया। इस अपमान और घटना ने खली को अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया था। वो इतना टूट चुके थे कि उनमें हिम्मत अब बची ही नहीं थी, इतनी भी नहीं कि वो वापस स्कूल में जाकर पढ़ सके। इसलिए इसके बाद फिर वो कभी स्कूल गए ही नहीं। स्कूल से निकाले जाने के बाद खली को अब पैसे का महत्व समझ में आ चुका था। अब बस खली का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से पैसे कमाकर परिवार का भरण पोषण करना। उसी दौरान उन्हें पता चला कि भारत सरकार वृक्षारोपण की एक मुहिम चला रही है, जिसमें वृक्षारोपण करने पर मजदूर को 5 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी। 2.5 रुपए के लिए स्कूल से निकाले गए खली के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। बस फिर क्या था, उन्होंने मौका नहीं छोड़ा और इसी तरह के काम लगातार करते रहे और अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। खली एक्रोमेगली नाम की एक बीमारी से पीड़ित थे। इस कारण उनके शरीर और ठुड्डी का आकार सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कुछ ज्यादा ही लंबा था। अपने इसी हट्टे खट्टे शरीर की बनावट की वजह से इनके एरिया में इन्हें हर कोई जानता था। इसी तरह मेहनत मजदूरी करते वक्त बीतता गया और साल 1993 का वक्त आया। खली इस समय शिमला में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। वहाँ पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर की नजर इन पर पड़ी। पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही खली को देखा तो इनसे कहा कि तुम पुलिस महकमे में क्यों नहीं भर्ती हो जाते। खली को बात समझ में आई और उन्होंने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। हालांकि खली ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन इनके शरीर की बनावट की वजह से इन्हें पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। खली को बचपन से परेशान करती आई पैसों की दिक्कत अब कुछ हद तक दूर हो चुकी थी। खली अब नौकरी के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग पर भी फोकस करने लगे। बॉडी बिल्डिंग करते करते उन्होंने बहुत सारे टाइटल भी अपने नाम कर लिए थे। खली के लिए परिस्थितियाँ अब बदलने लगी थी। हर कोई उन्हें जानने पहचानने लगा। तभी वक्त आया साल 1998 का। इस वक्त टीवी पर WWF रेसलिंग शुरू हुई थी और आजकल WWF को ही WWE के नाम से जाना जाता है। खली ने जब पहली बार टीवी पर इस रेसलिंग को देखा था तो वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। बस फिर क्या था, खली ने भी रेसलर बनने की ठान ली। लेकिन रेसलर बनने की उनकी ये डगर इतनी आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन खली ने तो बस ठान ही लिया था। इसके बाद वे टीवी पर इन रेसलिंग मैचेस को देखकर दाव पेच सीखने लगे और इनकी प्रैक्टिस करने लगे। धीरे धीरे रेसलिंग सीखते सीखते खली अब रेसलिंग की दुनिया में भी कदम रख चुके थे। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल APW यानी ऑल प्रो रेसलिंग ने खली को प्रस्ताव भेजा कि वो अमेरिका आ सकते हैं और रेसलिंग की
पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। खली के लिए ये प्रस्ताव किसी बड़े सपने से कम नहीं था, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। खली द्वंद में फंस चुके थे, उन्हें सालों से सजाए अपने सपने और नौकरी में से किसी एक को चुनना था। काफी सोच विचार के बाद खली ने अपने सपने को चुना और रेसलिंग की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाने की तैयारी की, लेकिन अमेरिका जाने के बाद उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। खली को रहने के लिए मात्र 6 फीट का कमरा दिया गया, जहां वे बड़ी मुश्किल से रह पाते थे। दूसरी समस्या ये थी कि खली को अंग्रेजी नहीं आती थी। ऐसे में ना तो वो अपनी बात को वहां के लोगों को समझा पाते थे और ना ही उनके द्वारा कही गई बातों को समझ पाते थे। लेकिन जैसे तैसे करके खली ने मैनेज किया और अपनी रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे। आखिरकार वो वक्त आया जिसका खली को बेसब्री से इंतजार था, और ये साल था सन 2000, जब APW ने खली को पहली बार रेसलिंग मैच में उतारा था। इस मैच के बाद उनका नाम जायंट सिंह पड़ा था। खली ने ये मैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में भी शामिल कर लिया गया। WCW भी WWF या कहें आज की WWE की तरह ही उस वक्त की बहुत बड़ी रेसलिंग कंपनी थी। WCW में शामिल किए जाने के बाद खली के सपनों को एक नई उड़ान मिली, लेकिन फिर ना जाने उनके सपनों को किसकी नजर लगी और उनका ये सपना सपना ही रह गया। दरअसल बात सन 28 मई 2001 की है। APW की ट्रेनिंग के दौरान खली ब्रायन ओंग नाम के एक रेसलर के साथ होने वाले एक रेसलिंग मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे। खली ने ब्रायन को 2 बार घुमाया और फिर फ्लिप जैक का एक ऐसा दाव खेला जिसकी वजह से ब्रायन का सिर मैट से जा टकराया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। ब्रायन को उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखा जाए तो इस तरह की चोटें रेसलिंग मैच के दौरान लगती ही रहती हैं, लेकिन ब्रायन को लगी ये चोट खली को कुछ ज्यादा ही गहरा जख्म दे गई। ये पहला मौका था जब उनके हाथों से किसी की मौत हुई थी। इसके बाद उनके करियर का ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरने लगा। खली का नाम रेसलिंग की दुनिया में तेजी से नीचे आने लगा। बड़े बड़े रेसलर उनसे दूरी बनाने लगे। कोई भी खली के साथ मैच खेलने को तैयार नहीं था। खली पूरी तरह से टूट चुके थे। जो नाम जो रुतबा उन्होंने बनाया था वो अब सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन खली ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग का मौका मिला और उन्होंने अपनी रेसलिंग की जर्नी को चालू रखा। बाद में जब ब्रायन की मौत की जांच पूरी हुई तो पता ये चला कि ब्रायन उस दिन रेसलिंग के लिए फिट ही नहीं थे। इवन उनके डॉक्टर ने भी उन्हें कुछ दिन रेसलिंग से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन APW के प्रेशर के चलते ब्रायन को खेलना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये साबित हो चुका था कि खली बेगुनाह है। ब्रायन की मौत में उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन APW की इस लापरवाही के कारण ब्रायन की फैमिली में काफी रोष था। उन्होंने APW पर ये कहते हुए मुकदमा ठोक दिया कि जब उस दिन ब्रायन रेसलिंग के लिए फिट ही नहीं थे तो फिर क्यों उन्हें प्रेशराइज किया गया। बाद में कोर्ट ने भी APW को इसमें दोषी पाया और ब्रायन की फैमिली को $1.3 मिलियन का हर्जाना देने का फैसला सुनाया। खली के रास्ते अब खुल चुके थे। अब वो वक्त भी आ गया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। खली का सपना पूरा होने जा रहा था, क्योंकि खली को अब उस समय की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनियों में से एक WWE ने साइन कर लिया था। खली के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खली अब WWE के लिए मैच खेलने लगे। रेसलिंग करियर का उनका जो ग्राफ अभी तक गिरा हुआ था वो अचानक ही बढ़ने लगा। WWE में जाते ही वो दी ग्रेट खली बनकर उभरे। WWE में हर तरफ उनका ही दबदबा था। खली अंडरटेकर और जॉन सीना जैसे बड़े बड़े सितारों को धूल चटा चुके थे। अपनी रेसलिंग के दम पर अब खली दुनिया भर में पॉपुलर हो चुके थे। इसके बाद खली ने भारत आकर अपनी एक एकेडमी भी खोली, जहां वे रेसलर्स को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन दोस्तों, खली के लिए सफलता की ये सीढ़ी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत, निराशा, तनाव, जज्बा सब कुछ था, लेकिन परेशानियों को खली ने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। मात्र 2.5 रुपए के लिए स्कूल से निकाले जाने के बाद एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका जैसे देश में वर्ल्ड के टॉप क्लास रेसलर्स के बीच में अपना दबदबा बनाना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।